अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पावर स्टैटिस्टिकल पावर क्या होती है और उस पावर को असल में समझना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है पावर एनालिसिस का, जो कि बहुत अहम है। वो अहम क्यों है? क्योंकि अभी हमने लास्ट कुछ वीडियोस में बात की थी कि पावर हैकिंग, एपी हैकिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। और वो क्यों होता है? जब हम अक्सर औकात ज़्यादा डेटा लेकर आ जाते हैं इस चक्कर में कि हमारी जो पी वैल्यू है वो थ्रेश होल्ड से नीचे आ जाए और हम अपना जो एच नोट है उसको रिजेक्ट कर सकें। तो उस पावर हैकिंग को हम इसलिए करते हैं कि हम ज़्यादा डेटा ले आएँ और जो हमारा पी वैल्यू है वो थ्रेश होल्ड से कम हो सके। ज़्यादा डेटा हमारा टारगेट होता है, लेकिन वो मैं सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि असल में हम वो पी वैल्यू को हैक कर रहे होते हैं और ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका हमें देता है पावर एनालिसिस। और पावर एनालिसिस सही क्यों है? क्योंकि वो हमें बताता है कि एग्जैक्टली सैम्पल साइज हमें कितना लेना चाहिए ताकि हम पी हैकिंग से बच सकें। ठीक है, इस चीज़ को हमने देखा था पिछली वीडियो में। पावर का कॉन्सेप्ट था, उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था कि पावर जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहली चीज़ होती है कि कितना ओवरलैप आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे हमने उस दिन बात कही थी कि हमारे पास दो किस्म की डाइट्स हैं और उनके दरमियान में ओवरलैप कितना था, हमने ज़्यादा पे भी देख कर बात की थी और अगर कम ओवरलैप है वो भी देख कर बात की थी। ठीक है, तो ओवरलैप ज़्यादा हो तो पावर कम हो जाती है और ओवरलैप अगर कम हो तो पावर ज़्यादा हो जाती है। और एक और चीज़ बहुत अहम होती है इसके अंदर, वो होता है सैम्पल साइज। क्योंकि अगर आपके पास ओवरलैप ज़्यादा है लेकिन सैम्पल साइज भी ज़्यादा है तो आपकी पावर फिर भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर फिर से वही सवाल आ जाता है कि सैम्पल साइज कितना ज़्यादा करेंगे। इसीलिए जो पावर एनालिसिस है वो हमें यहाँ पर वो जवाब देता है। यहाँ पर एक जल्दी से एग्जांपल देखते हैं कि हमारा जो सैम्पल साइज है वो हमें कितना लेना चाहिए और जब हम कहते हैं कि ज़्यादा सैम्पल साइज लेना चाहिए तो उसका क्या मतलब होता है। लास्ट वीडियो में भी हमने ये वाली बात कही थी कि हमें कितनी पावर चाहिए वो हमें पहले से डिफाइन करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 80% सर्टन होना है। मैंने 80% मुझे चाहिए कि प्रोबेबिलिटी हो मेरे पास कि जो मेरा हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, उसको मैं रिजेक्ट कर सकूँ करेक्टली। ठीक है, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये है कि मेरे पास जो ओवरलैप बड़ा कम हो तो मेरे पास कम डेटा तो भी चलेगा, उससे कोई ज़्यादा मसला मुझे नहीं आएगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास ओवरलैप तो बहुत ज़्यादा आ गया है तो मुझे उसमें ज़्यादा सैम्पल साइज चाहिए, जैसे हमने पीछे बात की थी। ज़्यादा सैम्पल साइज से क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास ज़्यादा सैम्पल है तो जो उसका एवरेज है, क्योंकि हमने हर सैम्पल का तो नहीं कंपेयर करना होता, हमने एवरेज को कंपेयर करना होता है। तो अगर मैं इसका एवरेज लूँ दोनों का तो वो यहाँ से दो बातें होती हैं। एक तो ये है कि अगर ज़्यादा सैम्पल है तो इसका मतलब होगा कि जो एवरेज है वो पॉपुलेशन एवरेज को अक्सर उत रिप्रेजेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा होता है। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है कि अगर वो ट्रू पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन इनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उनके एवरेज के दरमियान में डिफरेंस ज़्यादा फिर होगा। और अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पावर भी ज़्यादा है। मकसद तो यही है ना कि हमने जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम ज़्यादा करना चाहते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को करेक्टली रिजेक्ट कर सकें। अगर दोनों एवरेज में डिफरेंस है तो हम सही तरीके से उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा सैम्पल इस जुमरे में काम देता है कि ज़्यादा सैंपल होगा तो जो हमारा एवरेज है वो पॉपुलेशन मीन को या पॉपुलेशन एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा सही तरीके से। अब हम ये देख लेते हैं सही तरीके से या स्ट्रक्चर वे में कि पावर एनालिसिस काम किस तरह करता है। पावर एनालिसिस अक्सर अच्छा में काम क्या, हमें ये बताए कि मुझे सैंपल कितना चाहिए। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले आपको तीन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पहला सवाल ये है पावर कितनी चाहिए। जाहिर सी बात है यूजुअली पावर जो एक आम थ्रेशोल्ड रखा गया वो है 80%, यानी कि 0.8। ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी क्या है, आप अपना रिसर्च में देख लें कि पीछे किस तरह पावर एनालिसिस में पावर का एक थ्रेशोल्ड रखा गया है। जो जनरल है वो 80% रखा जाता है कि हम 80% प्रोबेबिलिटी चाहते हैं कि हम करेक्टली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 0.8 लिखा है। दूसरी चीज़ होती है कि जो हमें पी वैल्यूज़ को थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लेना है। ठीक है, हम क्योंकि पी वैल्यू का थ्रेशोल्ड अभी तक डिफाइन करते आए हैं 5%, यानी कि 0.05, ये भी
आप पे डिपेंड करता है, आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल पे कहते हैं और इसको अल्फा भी कहते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है ओवरलैप, कितना ओवरलैप आ रहा है दो डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जिसमें हमें दो मुख्तलिफ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ओवरलैप हमें मीन से भी पता चलता है, मीन ज़्यादा है मीन कम है ये क्या है, और ओवरलैप हमें ये भी देखना पड़ता है कि उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, ठीक है। तो मुझे ओवरलैप में दोनों चीज़ें अगर देखनी है, मीन भी देखना है स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखना है, तो एक तरीका ये होता है कि मैं उसका इफेक्ट साइज देख लूँ। तो इफेक्ट साइज का फॉर्मूला होता है, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें मीन को भी लेकर आ जाते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन को भी लेकर आ जाता है। लेकिन ये कोई एक तरीका नहीं है, हम ओवरलैप को मुख्तलिफ तरीकों से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्ट साइज को भी कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक तरीका लिखा है। मुख्तलिफ तरीके आपको कैसे पता चलेंगे, वो आपका रिसर्च, आपका लिटरेचर रिव्यू, या आपके फील्ड में एक अप्रोच होती है जिसको स्टैंडर्ड मांग के काम किया जाता है, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टैंडर्डाइजेशन को जो हमारा न्यूमिरेटर है उसमें लिखा है कि मेरे पास मीन का जो डिफरेंस है वो पता चल जाए, और डिनोमिनेटर में मैंने कहा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पूल्ड एस्टिमेट्स होने चाहिए। पूल्ड एस्टिमेट से क्या मुराद है यहाँ पर, कि जो मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लूँ, उसको स्क्वेयर करके उसका एवरेज निकाल लिया जाए, ठीक है, और उसका स्क्वेयर रूट ले लिया जाए। तो अगर जो हम पीछे एग्जाम्पल इस्तेमाल करते आ रहे हैं अगर उसी को देखें, तो मेरा जो एवरेज मीन था वो था 10, राइट। एवरेज मीन से मुराद है एवरेज मीन डिस्टेंस एक डिस्ट्रीब्यूशन है दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के दरम्यान में, और हर जो ऑरेंज वाली डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मेरे पास, ऑरेंज वाली डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 6, और जो ब्लू डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मेरे पास है 7। इसको हम प्लग इन करते हैं फार्मूला के अंदर ताकि हमें ये पता चल सके कि पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। जब प्लग किया तो मेरे पास वैल्यू होगी 6.5, तो 10/6.5 इज एक्चुअली 1.5। अब मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं, मेरे पास पावर भी है, मुझे अपना थ्रेशोल्ड या सिग्निफिकेंस लेवल भी पता है, और मुझे ओवरलैप भी पता चल गया कि वो कितना है। अब ये तीनों चीज़ें अगर मेरे पास हैं तो मुझे अब सिर्फ क्या करना है, स्टैटिस्टिकल पावर कैलकुलेटर जो होता है उसमें डालना है। अब ये आपका काम है, अभी आप जाए गूगल करें और लिखें स्टैटिस्टिकल पावर कैलकुलेटर। ये हर डिपार्टमेंट या हर यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई एक ऑनलाइन पावर कैलकुलेटर पड़ा होता है, जिस तरह आप उसमें ये पावर की जो वैल्यू प्लग इन करते हैं और आपको एक आंसर मिल जाता है। अभी आप जाएं और आपने अभी क्या करना है, कमेंट सेक्शन में एक लिंक पेस्ट करना है जो भी आपको कोई सही लगता है स्टैटिस्टिकल पावर कैलकुलेटर जो आपको पहले नज़र आ जाता है, ठीक है, वो आपने उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पेस्ट करना है, ठीक है। और उसमें ये पावर प्लग इन करके जो हमने वैल्यूज 3 निकाली हैं, पावर की, ओवरलैप की और सिग्निफिकेंस लेवल की, इतने उसके अंदर प्लग इन करनी है तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा सैम्पल साइज का। जब मैंने ये तीनों वैल्यूज प्लग इन की तो मेरे पास आंसर आया 9 का, यानी कि इस केस में जो मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जितना ओवरलैप हुई हुई है, मेरे पास 9 सैंपल होंगे तो मेरी जो पावर है वो 80% हो सकती है, ठीक है। तो सैंपल साइज मेरे पास जब आ गया है तो मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी जो पी वैल्यू है कि वो मैंने पी हैक तो नहीं कर दी, या मैंने कोई और गलत तरीके से अपना वैल्यू या अपने रिजल्ट तो नहीं मेंशन कर दिया। जो पावर एनालिसिस है ये बहुत ज़्यादा अहम होता है ये पता करने के लिए कि हमें कितना सैंपल चाहिए जो हमने अपनी स्टडी को सामने रिजल्ट में लेकर जाना है, जो हमने पी वैल्यू लेकर आनी है उसको पता करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से देखें और अपनी एग्जाम्पल लेकर फिर पावर जो कैलकुलेटर है उसमें प्लग इन करके देखें और आपका क्या सैंपल साइज आता है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और असाइनमेंट जो हैं वो आप करते जाएँ साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।